Ladies and gentlemen, esteemed guests, it is with the great honor and pleasure that we welcome our distinguished chief guest, Mr. Ashutosh Soni sir, on the stage. Please join me in extending a warm welcome to dear sir. Sir, I very humbly invite you to spread the fragrance with your words in today's gathering. Bol. हाँ चल ठीक है। हाँ पास सादर नमस्कार। खंडवा के इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सेंट जोसेफ स्कूल की प्राचार्य महोदय, सिस्टर नेहा, सिस्टर दया, सिस्टर विभा, सभी फादर्स एवं सिस्टर्स, सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सबका यहाँ अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद प्रेषित भी करना चाहूँगा कि आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में अपने मंच पर आमंत्रित किया, इन प्यारे बच्चों के साथ संवाद करने के लिए। ये मेरे लिए भी एक सौभाग्यशाली क्षण है। यहाँ पर इतने शिक्षा जगत के प्रबुद्ध गण के बीच शायद शिक्षा के बारे में बात करना मेरे लिए शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे पूर्व में ही क्षमा चाहता हूँ। शायद आपके ज्ञान के आगे मेरे शब्दों को बड़ा ही बोना साबित होना पड़ेगा, परंतु ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज मैं इन हमारे नन्हे भविष्यों के समक्ष उनके साथ कोई संवाद कर पा रहा हूँ। हमारे शिक्षकगण जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए और एक राष्ट्र निर्माण के लिए, उनके चहुंमुखी विकास के लिए, मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सर्वप्रथम सभी शिक्षक गणों के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। आज की इन प्रस्तुति के अंदर मुझे शायद अपना बचपन भी याद आ गया। मैं कुछ समय के लिए अपने बचपन में खो गया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं शायद ऐसे मंच के सामने बैठा हुआ हूं दर्शक बन के, कि जहाँ पर मैं इन बच्चों का प्रस्तुति एक प्रतिभा को देख रहा हूँ। ये अपने आप में इनकी प्रस्तुति का आपके समक्ष एक उदाहरण देता है कि अगर आप इनकी प्रस्तुति में खो गए हैं, मतलब इनमें कितनी प्रतिभा होगी, इसके पीछे इनका कितना अथक प्रयास मेहनत होगा। और इन सभी का श्रेय जो है मैं सारे शिक्षक गणों को देना चाहूँगा। एक अथक प्रयास मेहनत के पीछे शिक्षक का कितना योगदान होता है, उनका पूरा जीवन समर्पण हो जाता है इस देश के निर्माण के लिए। आगे जो भी हमारे भविष्य में बच्चे जो कार्य करेंगे, हमें शायद, हालांकि हर अभिभावक चाहते हैं और वो प्रयासरत रहते हैं कि उनके इसमें जो भी वो कार्य करवा रहे हैं, जो भी वो सीख दे रहे हैं, उससे उनका बच्चा बच्चे जो हैं वो अभिभावक का नाम रोशन करें, देश में एक ऊंचाई, एक मुकाम पर पहुंचें। पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी बीच हमें बच्चों के लिए थोड़ा सा एक समय, एक स्पेस देना चाहिए, जिससे उनकी एक सामान्य प्रतिभा, हर बच्चे में एक अलग विलक्षण प्रतिभा होती है,
उस प्रतिभा को निखारने का, तराशने का, उस ज्ञान को बढ़ाने का जो काम शिक्षक करते हैं, वह काम हम घर में करते हैं। उनको संस्कार देने का, उनको हम किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रखने का, पर शायद यह दायित्व भी हमारा है। एक विचारधारा से हटकर हमें बच्चों की उन प्रतिभा को हमें पहचानने की, उजागर करने की हमें ज़रूरत है। हम कुछ समय दें, कुछ स्पेस दें, जिससे उनकी प्रतिभाएं जो है वो उभर कर आएँ और वो अपने भविष्य में इस क्षेत्र के अंदर, जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहें, उसमें ऊंचाइयों में पहुँचें। अब चूंकि बच्चों का कार्यक्रम था, मुझे भी थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में पुराने दिन याद आ गए थे। मैं भी शायद इसी प्रकार मंच के ऊपर कभी कभार थोड़ा सा स्पीच वगैरह दिया करता था। उस समय में खैर मुझे बहुत दोहे और निबंध कविताएं मुझे भी लिखने का शौक है, मुझे याद रहती थी, परंतु अब थोड़ी शायद मुझे इतनी याद नहीं है। और शायद अगर मैं कुछ याद करके आता तो भी इन बच्चों के आगे वो शायद बहुत छोटी रहती है। फिर भी मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगा बच्चों के लिए, उनकी प्रतिभा के लिए। वो खुद नाप लेते हैं ऊंचाई बुलंदियों की, वो खुद नाप लेते हैं ऊंचाई बुलंदियों की। परिंदों को तामील नहीं दी जाती उड़ानों की। जिस प्रकार एक परिंदा अपने आप एक उड़ान भरना सीख जाता है, उसी प्रकार हर बच्चे के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा होती है। अगर आप उसे थोड़ा सा उभारेंगे तो शायद वो उस क्षेत्र के अंदर इतनी ऊंचाई हासिल करेगा कि आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में सबसे अच्छी चीज है, बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देश का। अगर हम उस ओर में देखें कि ट्रेडिशनल वर्क से हटकर अगर हम बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मेहनत करें, जो कि अभिभावक बहुत अच्छा कर सकते हैं, चूंकि एक ये बात सभी जगह पर प्रचलित है कि हमारा जो स्कूल होता है वो एक दूसरा घर होता है। शायद हम लोग जो जीवन जीते हैं बाल्यकाल के अंदर, उसमें से अधिकांश जीवन घर के अलावा फिर हम स्कूल में जीते हैं, और हमारे जो स्कूल के पेरेंट्स होते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं, उनके द्वारा डिसिप्लिन अनुशासन सिखाया जाता है। परंतु जो हमारे घर के अंदर संस्कार और जो हमें उन्हें मोटिवेशन देना होता है, अगर वो आप थोड़ा सा उसमें सहयोग करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस टेक्नोलॉजिकल युग में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने हमारी प्रस्तुति के अंदर देखा, यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर मैंने सबसे पहले शुरुआत इसीलिए करी थी कि शायद इस खंडवा के अंदर सबसे प्रतिष्ठित और अग्रणी शिक्षण संस्थान में हमारा सेंट जोसेफ स्कूल है। यहाँ के बच्चों की आपने प्रतिभा देखी और शायद मैं भी बड़ा अचंभित रह गया। हम लोग बहुत चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये जो बच्चों की छोटी छोटी प्रस्तुति होती है, आईटी में इन्होंने जो एक फिल्म बनाई है वो देखकर शायद हम लोग भी बड़े अचंभित हो जाते हैं। इसी प्रतिभा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम इनका थोड़ा सा समन्वय कर दें, सामंजस्य बिठा दें, तो ये अपनी प्रतिभाओं के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं, जो इन्होंने आज प्रस्तुति दी है, जिस भी फील्ड के अंदर इन्होंने कार्य करा है, आगे उसको निरंतर जारी रखें और अपनी अपनी क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों को हासिल करें। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर यही नहीं होते हैं, इसके अलावा हमारे देश के निर्माण में सभी लोगों का योगदान होता है। एक हमारा इसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग एक टैगलाइन लिखते हैं, सड़क ही नहीं राष्ट्र का निर्माण भी। यानी हमारे जो भी कृत्य हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो एक राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सहयोग करें तो शायद सहयोग बच्चों का, साथ में शिक्षकों का, क्योंकि हमारा एक दायित्व है कि हम भी शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समन्वय कर बच्चों के भविष्य को संवारें। बच्चों में इतना पोटेंशियल, इतनी एनर्जी होती है। मैं इनकी प्रस्तुति देखकर शायद मैं भी कुछ थोड़ा सा एनर्जाइज हो गया। मुझे भी लगने लगा कि नहीं, हमें भी अब कुछ करना चाहिए, इतना करना काफ़ी नहीं है। और मैं ज़रूर बच्चों को मैं आश्वस्त करता हूँ, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो भविष्य के हिसाब से बच्चों के लिए हम लोग करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि हम अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें। और बच्चों के लिए तो अनंत सीमाएँ हैं। मुझे लगता है कि शायद
बच्चों के लिए कोई बैरियर नहीं होता है। एक बचपन में मैं भी शायद कुछ एक दो पंक्तियां कहा करता था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यार। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, ये हमें जो है अथक प्रयास और मेहनत करने के लिए कहता है। बच्चों, आपसे निवेदन है कि घर जाकर आप पत्थर घर पे ना उछाले, अन्यथा शायद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इसका आशय है, मतलब कवि का जो आशय है वो ये है कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे अथक प्रयास मेहनत होती है। बच्चों ने आज जो प्रस्तुति दी है, जिसे मुझे अभी जस्ट बताया गया कि 2 से 3 महीने के इसके पीछे प्रयास था, 2 से 3 महीने तक प्रयास, यानी कि अगर मैं देखूं तो बच्चों ने कितना समय निकाला है चीज के लिए। कोई भी चीज जो अथक प्रयास मेहनत से प्राप्त होती है वो सिर्फ ख्वाहिशों से प्राप्त नहीं हो सकती। ख्वाहिशों से, सपनों से हमारी मंजिल दिखाई देती है, पर हमारे अथक प्रयास मेहनत से वो मंजिल हमें प्राप्त होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बच्चे, जिन्होंने हम सबके मुस्कान लादी है हमारे चेहरों पे, हमारे अंदर एक अलग ही जोश की अनुभूति लादी है, हम लोग सभी स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, हमारे घर पर, हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चों का हम पूरी तरीके से सहयोग करें उनके एक निर्माण के लिए, एक देश के निर्माण के लिए। आगे मैं ये भी कहना चाहूंगा बच्चों से, खासकर पर्यावरण जो आज इसके अंदर हमें प्रस्तुति के अंदर भी दिखाया गया, किसानों के बारे में बताया गया, पर्यावरण के बारे में बताया गया, पर्यावरण एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पर्यावरण का संरक्षण हमारा दायित्व है, आसपास की सफाई हमारा दायित्व है, साथ ही चूंकि आज के इस टेक्नोलॉजिकल युग के अंदर बहुत ज़्यादा वाहन बढ़ चुके हैं, रोड के ऊपर बहुत कंजेशन क्रिएट हो चुका है, अतः मैं अनुरोध करूंगा अभिभावकों से भी, बच्चों से भी, सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, सुरक्षित रूप से यात्रा करें। आपका, हमारा, सभी का जीवन अमूल्य है। खैर, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, शायद बच्चों ने मुझे इतना एनर्जाइज कर दिया है, और मेरे पास बहुत बचपन के भी किस्से हैं, हमारे कार्यों के भी हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं पे, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए मैं सभी बच्चों का उज्ज्वल भविष्य कामना करता हूँ। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, विश्वसनीय सूत्रों से मुझे मालूम पड़ा कि चीफ गेस्ट की बातें जो है बच्चे बोर होने लगते हैं, इसलिए मुझे कहा गया था कि मेरे बच्चों ने कि आप कम बोलना लेकिन इंटरेस्टिंग बोलना, कोई भी चीज ऐसा मत बोलना कि मेरी क्लास के जो है मित्र मुझे कहें कि यार देखो आपके पापा आए और पता नहीं क्या बोला, हमको समझ में नहीं आया। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, और इसी आशा के साथ, मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी लोग मेरी बातों के ऊपर विचार करेंगे, और मैं यहाँ पर बच्चों से भी सीख कर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों से आप अगर अपने बाल्यकाल का, अपने बचपन का अगर समय याद करेंगे तो आपके पास कभी समय की कमी नहीं होती थी, आपके पास इतना समय होता था कि आप स्कूल भी चले जाते थे, 6-7 घंटे स्कूल होके घर में पढ़ाई लिखाई कर लेते थे, खूब मस्ती कर लेते थे, आस पड़ोसियों को परेशान कर देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास समय होता था। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि हमें भी बच्चों से सीखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन हमें कैसा करना चाहिए। हमें हर चीज के लिए समय निकालना है, एनर्जी के साथ समय निकालना है, और ये बच्चों से ज्यादा अपने को कोई नहीं सिखा सकता। हमने भी अपने बाल्यकाल के अंदर सारा समय का सदुपयोग करा है, लेकिन हम आज इस समय में स्ट्रगल कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। शायद ये बात हमें बच्चों से सीखनी चाहिए, और मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस प्रस्तुति के कारण मुझे शायद ये वापस से रिफ्रेश करने को मिला कि मुझे भी कुछ और टाइम मैनेजमेंट के साथ अच्छा कार्य करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।
सो मच सर फॉर योर ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग वर्ड्स. सर आपसे निवेदन है कि दो क्षणों के लिए आप कृपया मंच पर रुके. आपने हमारा उत्साह वर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Now I request respected Sister Daya to present a token of love to our esteemed chief guest, Mr. Ashutosh Soni sir. Thank you so much, sir, for your gracious presence here. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं एक बात बोलना भूल गया, सॉरी. मैं वापस आ गया माइक के ऊपर. मैं घर में सुनता रहता हूँ, सो कलरफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. ये प्रोग्राम वैसा ही था. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अरे अभी बोल रहा है.